भाई साहब, सुना है आप घटिया चुटकलों के तस्कर हो? नहीं तो? सुना है आपने अंडरवर्ल्ड वालों को अपने इतने घटिया चुटकले सुनाए कि आपके घटिया चुटकले सुन सुन के उनके बिचारों के दिमाग खराब हो गए और वो घटिया काम करने लग गए? नहीं नहीं, मेरा अंडरवर्ल्ड वालों से कोई लेना देना नहीं है। सुना है यूट्यूब पे जितने भी चैनल चल नहीं रहे हैं उन सबको घटिया चुटकले आप ही सप्लाई करते हो? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप जबरदस्ती मेरा नाम खराब करने वाली बात कर रहे हैं। सुना है आपने एक YouTube चैनल को इतने घटिया चुटकले सप्लाई किए कि YouTube ने खुद परेशान होकर के उसके चैनल के लिए झंडू ट्यूब नाम की एक अलग एप्लीकेशन ही बना दी। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? हमारा तो मन होता है वो कभी कभार दोस्तों के बीच में थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुना है आपके इन घटिया चुटकलों की तस्करी का व्यापार सिर्फ भारत में ही नहीं दूसरे देशों में भी फैला हुआ है जी? सुना है स्विस बैंक में जो कई बड़े नेताओं का काला धन रखा हुआ है उसे वापस लाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो पासवर्ड और एक उस नेता का हंसता हुआ चेहरा। और उन नेताओं ने पासवर्ड में रखा है आपका दिया हुआ घटिया चुटकला जिसे कोई बोलना सुनना या याद रखना भी पसंद नहीं करता। और आपके चुटकले इतने घटिया है कि उन्हें सुनने के बाद आदमी हंसना तो दूर उल्टा फूट फूट के रोने लग जाता है कि ये मैंने क्या सुन लिया। तो ऐसे घटिया चुटकलों के पासवर्ड होने के कारण जिन्हें उन नेताओं के अलावा कोई भी याद रखना नहीं चाहता और जिन्हें सुन के उन नेताओं को भी कभी हंसी नहीं आती, वो स्विस बैंक के खाते हमेशा के लिए बंद रह गए हैं और इस देश का काला धन देश में वापस लौट के नहीं आ पा रहा है। अरे इसे तो मेरे गहरे राज पता है। अरे नहीं भाई साहब, आप एक इज्जतदार आदमी से कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो स्विस बैंक क्या है ये भी नहीं पता। भाई साहब, आपके तस्करी किए हुए घटिया चुटकले गांव गांव के बच्चे बच्चे तक पहुंच चुके हैं जिसके कारण कई बेचारे किसानों की फसलें खराब हो गई क्योंकि ये बच्चे खेतों में दौड़ते फिरते आपके घटिया चुटकले बोलते रहते हैं जिन्हें सुन सुन के हरी भरी फसलें मुरझा गई। इसे तो मेरे सारे राज पता है, ये तो मेरा धंधा बंद करवा सकता है। ऐसा रिपोर्टर तो मैंने आज तक नहीं देखा। देखिए भाई साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन आप मेरे ऊपर एक पे एक झूठे लांछन लगाए जा रहे हैं। मेरा किसी भी गैर कानूनी काम में कोई भी हाथ नहीं है। झूठे लांछन? भाई साहब, आपके घटिया चुटकलों के किस्से तो इतने मशहूर हैं कि पहले वाली शोले में माँ कहती थी कि सो जा बेटा वरना कंबर आ जाएगा, और नई वाली शोले में माँ कहती है कि सो जा बेटा वरना कंबर आ जाएगा और हल्कू जबरा का घटिया चुटकला सुना जाएगा। ऐसे तो ये मेरी सारी बोल खोल देगा। देखिए भाई साहब, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। अरे हद तो उस दिन पार हुई थी भाई साहब जब अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से पहले आपने उसके कान में जाके अपना एक घटिया चुटकला सुना दिया और फिर उसे कहा कि अगर तू राष्ट्रपति बना तो तुझे अगले 3 सालों में ऐसे कई और घटिया चुटकले सुनाऊंगा। ये सुनते ही उस बेचारे की रूह कांप गई और उसने राष्ट्रपति बनने से पहले ही राष्ट्रपति की गिद्दी को लात मार दी। वो तुरंत शपथ ग्रहण समारोह से अस्पताल गया और वहां पे आपका घटिया चुटकला सुनने के कारण उसका जो मानसिक संतुलन बिगड़ा था उसका वो बेचारा आज तक इलाज करवा रहा है। आप सच को कबूल क्यों नहीं कर लेते कि आप इस देश और दुनिया के घटिया चुटकलों के सबसे बड़े तस्कर हैं? हाँ हाँ, मैं घटिया चुटकलों का तस्कर हूँ। मैं घटिया चुटकलों का तस्कर, ऐसे घटिया चुटकलों का तस्कर जिन्हें सुनते ही लोगों के कानों से खून निकल जाता है, जिन्हें सुनने वाले की साथ पुछते चुटकला सुनने से थर थर कांपती है, जिन्हें पति अपनी पत्नी को सुनाए तो उनके बीच में लड़ाई नहीं तलाक हो जाए, जिन्हें सुनते ही खाना खाते हुए आदमी को उल्टी हो जाए और उसका कई दिनों तक जी घबराए, जिन्हें सुनते ही इंसान को इंसान पसंद आना बंद हो जाए और वो शमशान में जाके भूत प्रेतों से बातें करने लग जाए, ऐसे घटिया चुटकलों का तस्कर हूँ मैं, ऐसे घटिया चुटकलों का। लेकिन तुमने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं करी कि मैंने एक घटिया चुटकलों की तस्करी का व्यापार क्यों शुरू किया। जब मैं छोटा था तो मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था, मैं रोज उसे अपने बहुत सारे चुटकले सुनाता और वो बहुत जोर जोर से हंसती। फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो लड़की मेरे चुटकलों पे नहीं इस बात पे हंसती थी कि उसे मेरे चुटकलों पे बिल्कुल हंसी नहीं आती। फिर एक दिन हमारे मोहल्ले में एक लड़का आया जिसके चुटकले सही में अच्छे थे, वो लड़की उस लड़के के चुटकलों पे सही में हंसती थी।
उस लड़के पे नहीं, उस लड़के के चुटकलों पे हंसती थी। मुझे उस दिन से उस लड़की से नफरत हो गई। फिर मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपने घर वालों को अपने चुटकले सुनाने चालू किए। मुझे लगा शायद इन्हें तो मेरे चुटकलों की कदर होगी। पूरे दिन अपने घर वालों को अपने चुटकले सुनाता रहता। फिर एक दिन वो मेरे चुटकले सुन सुन के इतने उफद गए कि उन्होंने मुझे 23 मिनट 39 सेकंड के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया। मैं अकेला काल कोठरी में अपने घटिया चुटकले अपने आप को सुना के हंसता रहा। सुनाता और हंसता, सुनाता और हंसता। लेकिन इस हरकत के बाद मेरा मेरे घर वालों से मन खट्टा हो गया। जैसे ही मुझे काल कोठरी से निकाला, मैं घर छोड़ के भाग गया सिर्फ उस एक प्राणी की तलाश में जिसे मेरे चुटकलों की सही में कदर हो। मैंने गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली सबको अपने चुटकले सुनाए। बैल ने सींग मारा तो कुत्ते ने काटा, गाय ने पूंछ मारी तो बिल्ली ने पूंजा। हर जगह से अपने चुटकलों का तिरस्कार सहन करते करते मैं हार मानने लग गया था। फिर एक दिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर इस क्रूर दुनिया को अच्छे चुटकलों पे हंसने का हक है तो घटिया चुटकलों पे रोने का क्यों नहीं। मैंने ठान ली कि मैं समाज में एक इज्जतदार आदमी बनके अपने घटिया चुटकलों से इस समाज को अंदर ही अंदर से खोखला कर दूंगा। लोग मेरे घटिया चुटकलों को सुन सुन के त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे। औरत, आदमी, बच्चे, बूढ़े किसी को भी नहीं बख्शूंगा। हवाओं में गाड़ियों का नहीं, मेरे चुटकलों का प्रदूषण होगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बाद हल्कू जबरा के घटिया चुटकले नाम का भी एक नया ग्रहण होगा। और तो और मैंने अपने घटिया चुटकलों का एक विमान मंगल ग्रह के लिए भी छोड़ रखा है जो 2025 तक वहां पे जाके मेरे घटिया चुटकलों का वर्चस्व फैला देगा। और फिर धरती से गई हुई जो भी पीढ़ी वहां पे बसेगी उसे मेरे घटिया चुटकलों के साथ ही जीना होगा। अगर ऐसा हो गया तो इस आदमी के घटिया चुटकले दीमक की तरह पूरे सौर्य मंडल को खा जाएंगे। बिल्कुल सही समझा। और आज मेरे हत्थे तुम चढ़ गए हो। तो लो लो सुनो, पति अपनी पत्नी को एक बहुत बढ़िया चुटकला सुनाता है। उसकी पत्नी जोर जोर से हंसती है पर उसका बेटा हंसता नहीं है। तो बाप बेटे को थप्पड़ मार के कहता है कि तू चुटकले पे हंसा क्यों नहीं। तो बेटा कहता है, पापा मैं टीवी देख रहा था तो मैंने चुटकला सुना नहीं। हंसो, बच्चे के साथ मजाक हो गया। अब दूसरा सुनो। एक आदमी का नाम था सवालखोर। पता है लोग उसे क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? हरामखोर। अब तीसरा सुनो, बताओ दरिया दिल किसे कहते हैं? जिसका दिल दरिया में डूब जाता है। भागो। अगर आपको मेरे घटिया चुटकलों की दुख भरी दास्तां अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे 25,000 कमेंट करा देना।